नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए चुनावी अखाड़ा सज चुका है। लगातार 27 वर्षों से मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। आज तक भाजपा इस सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। हालांकि साल 1952 से लेकर बारी बारी कांग्रेस इस सीट पर चुनावी पारी खेलती रही है, लेकिन साल 1992 में सपा का गठन होने के बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस सीट के बेताज बादशाह रहे। अब उनका निधन हो जाने के बाद इस सीट पर फिर से चुनावी अखाड़ा सज गया है और अब अपने ससुर की विरासत को बदस्तूर जारी रखने के लिए उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सपा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी भाजपा? देखिए ये खास रिपोर्ट। सत्ता और सियासत में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही एक नजारा यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है, जिसमें शिवपाल की नाराजगी का फायदा उठाने में लगी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश और शिवपाल के ट्वीट ने एक बार फिर से भाजपा की जीत पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां तक शिवपाल यादव को नेताजी के बाद मैनपुरी में उनकी जगह मिलना तय माना जा रहा था और टिकट न मिलने से वो नाराज थे, वो नाराजगी अखिलेश और डिंपल की मुलाकात ने खत्म कर दी और भाजपा के लिए जीत जो आसान लग रही थी उसको मुश्किलों बदल दिया। ऐसे में सियासत तेज हो गई। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं सियासतदान। देखिए, लगातार चुनाव दर चुनाव हम जीतते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो उपचुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इन सब चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। हम जनता के बीच में, जनता की समस्याओं के संदर्भ में हम जनता के पास रहते हैं। हमारे सभी लोग मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को बताते हैं। हम लोगों से परस्पर रूबरू होते हैं और वहीं एक तरफ सपा के लोग उपचुनाव से किनारा करते हैं। अब मुझे लगता है मैनपुरी में चूंकि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए वो जरूर वहाँ पर नामांकन थे, पता वो नहीं दिखते। और सपा की कमजोरी भी ये दिख रही है कि समाजवादी पार्टी ने जब जिन शिवपाल यादव को कहा था जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाएं, उन्हीं शिवपाल के घर आशीर्वाद लेने जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की दावेदारी मैनपुरी में कमजोर हो रही है और डिंपल पहले भी दो उपचुनाव हार चुके हैं क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं रहती हैं, इसलिए जनता उनको मानती है कि ये सिर्फ अखिलेश यादव की प्रॉक्सी हैं। तो मुझे लगता है मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी एक विशाल जीत की ओर आगे बढ़ रही है। भाजपा अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय दूसरे दलों में सेंध लगाने की कोशिश करती है, परिवार में सेंध लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दल और परिवार में थोड़ा अंतर होता है। परिवार कहीं ना कहीं अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचता है और जहां उस परिवार के जो मुखिया थे जिसकी वजह से सबका वजूद है, उनकी अभी उनका भी अंत हुआ है, तो ये स्वाभाविक था कि परिवार के सारे लोग अभी एकजुट रहेंगे। लेकिन भाजपा उसमें अनायास कोशिश करती रही सेंध लगाने की, जिसमें कि वो नाकामयाब होती दिख रही है। कल जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई थी उसके बाद भाजपा उसमें नाकामयाब होती दिख रही है। देखिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपना दल भी उनका है, लेकिन पुराने समाजवादी रहे हैं, समाजवादी विचारधारक रहे हैं और मैनपुरी की जनता का जो लगाव उनके साथ है, समाजवादियों के साथ है। हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है और आदरणीय डिंपल यादव जी वहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। शिवपाल जी से नाराजगी समाजवादी पार्टी से इस बार स्टार प्रचारक के रूप में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नाराजगी जब घर में कहीं समाज लोकतंत्र होता है, परिवार में लोकतंत्र होता है, पार्टी में लोकतंत्र होता है, तो मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में क्या आपको नहीं दिखता कि वहाँ मतभेद भी है, मनभेद भी है? जब भारतीय जनता पार्टी में हम देखते थे कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है
और एक बार तो यह था कि पूरी वेबसाइट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का फोटो तक हटा दिया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मंत्रियों के विभागों में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, सुबह उठते तो उनको पता चलता है मेरे विभागों में ट्रांसफर हो गए। तो झगड़े तो भारतीय जनता पार्टी में, हाँ वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो सुना आपने, भाजपा ने जहाँ अपनी जीत का भरोसा जताते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं अन्य सियासी दलों ने भी शिवपाल सिंह यादव के साथ आने के बाद अखिलेश की जीत की राह को आसान बना दिया है, यानी उनकी पत्नी डिंपल यादव की जीत को आसान बना दिया है। दोनों ही दल अपनी साख बचाने में जुट गए हैं। मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसे तैयार कर अब उन्हें चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी भेज दिया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर उन्हें चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतार चुकी है, जिसमें मुख्य नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही तमाम ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश में उपमंत्री हैं, ऐसे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावर नेता हैं वो चुनावी प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी में उपचुनाव के जिस तरीके से डिंपल यादव को कैंडिडेट बनाया गया है, उस किस तरीके से अब चाचा भतीजे दोनों मिलकर क्या मैनपुरी की साख बचा सकते हैं। लखनऊ से MKN न्यूज के लिए अविनाश। यूपी की 3 सीटों में खतौली, रामपुर और मैनपुरी भले ही उपचुनाव पर हों, पर अभी वर्तमान में प्रदेश की निगाहें मैनपुरी पर है, क्योंकि भाजपा की जीत शिवपाल यादव की नाराजगी में अपना बड़ा योगदान रखती है। लेकिन अखिलेश यादव के शिवपाल के साथ आने के बाद ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या सपा के गढ़ में भाजपा सेंध लगा पाएगी। MKN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद अब उनकी विरासत की सीट पर जिम्मेदारी डिंपल यादव को सौंपी गई है। ऐसे में शिवपाल यादव के खफा होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ में चेन लगा सकती थी। लेकिन शिवपाल यादव के मनाए जाने के बाद में आशंका ये लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव के हाथ मिलाने के बाद में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शिवपाल का हाथ अखिलेश के साथ के बाद में भारतीय जनता पार्टी में चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।